सो सिंस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अब थोड़ा ध्यान से देखना। साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स कैसे करेंगे ज़रा सोचना बच्चों, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको नाउ ज़रा देखना, दोनों की पावर थ्री है, दोनों की पावर क्या है, ऑड है, ठीक है, यहाँ पे नाउ देखो तो साइन क्यूब को लिख सकता हूँ मैं, चलो क्यूब एक्स लिखते हैं अभी अपन, और कॉस क्यूब एक्स लिखा भी तो सिंपल कुछ भी नहीं करा मैंने, अपन करते हैं लेट कॉस एक्स को मैंने टी माना, आप चाहे तो साइन को भी टी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा, कॉस एक्स को टी माना तो डिफ्रेंशिएट करो, मानो माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है, जरा देखना बच्चों, माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल डी टी, कैन आई से साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, ये नीचे चला जाके ऊपर हो जाएगा, तो ज़रा देखो बच्चों यहाँ पे, तो मैं इसको कह सकता हूँ साइन स्क्वायर डॉट साइन एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स डॉट डी एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है, मैंने साइन क्यूब को लिखा साइन स्क्वायर इंटू साइन, इससे क्या फ़ायदा मिला मुझे, इससे ये और ये कॉम्बिनेशन बैठ गया, ठीक है बच्चा, अब ज़रा सोचना ना, जरा सोचना बच्चों, साइन स्क्वायर है ना, ये पूरा गायब होकर डी टी बन जाएगा, और इसको आपने टी माना था तो ये टी क्यूब आ गया, तो माइनस ऑफ डी टी हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये रहा डी टी, ये रहा कॉस का मैंने टी क्यूब लिख दिया, और ये साइन स्क्वायर है, पर एक टी और एक एक्स है, ऐसा नहीं चलेगा, तो क्या करा मैंने इसको, जरा सोचो बचपन की यादें हैं बहुत पुरानी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने साइन स्क्वायर लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं, अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, अब ये तुम्हारा कौन है बच्चा, वन माइनस कॉस कौन है, टी है, टी का स्क्वायर डॉट टी क्यूब डॉट डी टी, क्या पूरा इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ गया, अभी और देखो माइनस, अब इस टी को यहाँ मल्टीप्लाई करो और यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा टी क्यूब माइनस टी की पावर फाइव डॉट डी टी, नाउ गाइस दिस इज परफेक्शन, एक डी टी लिखा हुआ है और एक सिंगल इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे, अब ये जो माइनस है ना ये पूरे से मतलब रहा है, ध्यान रखना, तो जरा सोचना, मैं हर काम डायरेक्ट और बोर्ड में लीगल है डायरेक्ट, तो क्या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या पहले इसको लिख दूँ माइनस टी क्यूब डॉट डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल मैंने आगे पीछे का हेरा फेरी करी और कुछ नहीं करा, सिंपल कैलकुलेशन करी अपन ने यार, डन गाइस, नाउ टी बोले तो इंटीग्रेट करो इसका, टी की पावर सिक्स अपॉन सिक्स माइनस टी की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी, कोई इशू नहीं है, टी कौन है मेरा, कॉज एक्स है, तो पुट करो यहाँ पे कॉज एक्स अपॉन सिक्स माइनस कॉस की पावर फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी, ठीक है, एक सवाल आपका सर, अगर मैं साइन मानता तो साइन में आंसर आता, हाँ आता, तो ये ना ज्ञान होना, चीटिंग कर रहे हैं अपन बाय चांस, किसी से पूछ रहे हैं अपन, तो ध्यान रखना कि आपने किस वे में किया है, उसने किस वे में किया है, सिर्फ भरोसे मत देना कि भाई मुझे तो आंसर यही चाहिए यही चाहिए, ऐसा नहीं होता है, इट्स योर चॉइस कि आपको कैसे क्वेश्चन करने का है, क्लियर गाइस, परफेक्ट, पॉज वीडियो नोट डाउन बच्चों, सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है इस एक्सरसाइज के अंदर पहले भी, जहाँ पे टू साइन है साइन बी वाले फॉर्मूला लगते हैं यहाँ पे, अच्छा बच्चों मैं पहले कहता हूँ इन क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रैक्टिस करना रहेगा कर में दो से तीन बार, थ्री टू फोर टाइम्स, ओके, बिना देखे, इनमें मेजरली गलतियाँ होती है, ठीक है बच्चों, सो मैं कह रहा हूँ तुम्हारा समझना, गलतियाँ होती है इसमें, प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है, नौ जरा देखो क्या रहा है, तो आपको पता है कि या तो पेयरिंग इसका बना दो या इसका बना दो या इसका बना दो, जो आपकी इच्छा हो वैसे बनाओ, ठीक है, तो चलो मैं बना रहा हूँ पेयरिंग, या बना रहा हूँ मैं इसका साइन एक्स और साइन थ्री एक्स का, और इसको अलग से रख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे इन दो का पेयर बनाया मैंने, नाउ गाइस देखना, यू नो द फॉर्मूला होता है टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, पर आगे एक आता है नेगेटिव साइन आता है नेगेटिव साइन, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका होता है कॉस ए प्लस बी
माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, क्लियर। आगे क्या आता है, एक नेगेटिव साइन आता है, तो एक काम करें, कई लोग कई टीचर लोग फॉर्मूला ऐसे पढ़ाते हैं, इस माइनस को वहाँ भेज देंगे तो टू साइन ए साइन बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस, नहीं माइनस कॉस ए माइनस ए प्लस बी। अरे घुमा तो ना, इस नेगेटिव को वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और वो नेगेटिव इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। सो जरा देखो, अब करूँगा मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस अच्छे से करना। इधर टू से मैंने मल्टीप्लाई किया और साइन टू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आराम से। नाउ सी टू साइन ए साइन बी, ठीक है, यहाँ पे नाउ जरा देखो, डन। सो कॉस ए माइनस बी, जरा ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, कॉस एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा माइनस का टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन एज इट इज कॉस ए प्लस बी, तो एक्स प्लस थ्री एक्स कॉस फोर एक्स, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आया आपको, और ये साइन टू एक्स एज इट इज़ यहाँ आ गया, कोई इशू नहीं। अच्छा, एज वी नो वन मोर थिंग कि कॉस के अंदर जो माइनस थीटा होता है वो हो जाएगा कॉस थीटा, ये पता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि कॉस के अंदर जो नेगेटिव एंगल रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स माइनस कॉस फोर एक्स, और ये हो जाएगा साइन टू एक्स डॉट dx। तो यहाँ तक भी फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। नाउ देखो, इस वाले बच्चे को इसको इसको अंदर भेज दो, खत्म, मल्टीप्लाई कर दो। सो जरा देखो, cos 2x, पर एक गलती आप लोगों से हो रही है, ध्यान रखना, ये ब्रैकेट ना लगा के, बिकॉज ये जो हाफ है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना इन सब से, ये छोटी छोटी गलतियाँ ध्यान रखना बच्चों, साइन 2x माइनस cos 4x और साइन 2x, ब्रैकेट बंद किया और डॉट dx लगाया, एक इंटीग्रेशन का साइन और एक dx, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में हेरा फेरी हो गई, यू, ठीक है, एक इंटीग्रेशन साइन एक dx, जितने इंटीग्रेशन के साइन होंगे उतने dx आएंगे, ये बात है ना, दैट इज नॉन एज परफेक्शन, ठीक है ना। नाउ आगे चलते हैं अपन, नाउ देखो, वापस देखो, कॉज है साइन करा है, तो वापस टू कॉज है कॉस बी, टू कॉज है कॉस बी, यहाँ पे टू कॉज है, ये टू कॉज है साइन बी और टू कॉज है साइन बी, बस टू की कमी है, तो जरा देखना पे, मैं वापस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, हालांकि एक स्टेप में दिखा रहा हूँ, बोर्ड में नहीं करो चलेगा, एक हाफ तो ऑलरेडी है, फिर बच्चा सुनना, मैंने एक जो ये किया ना वो ये रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू करा मैंने, ठीक है, ध्यान से, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जरा ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है, कॉस टू एक्स साइन टू एक्स, इस स्टेप को आप लोग बोर्ड में एलिमिनेट कर सकते हो या किसी भी एग्जाम में, और डायरेक्टली टू को अंदर भेज सकते हैं, जैसे कि देखो, तो हाफ और हाफ हो गया वन बाय फोर, ध्यान से, अब जरा देखना, छोड़ो डायरेक्टली नहीं करूँ मैं, दिक्कत में आ जाओगे, अब इस टू को अंदर भेजो, टू कॉस टू एक्स साइन टू एक्स माइनस टू कॉस फोर एक्स साइन टू एक्स डॉट डी एक्स, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, आराम से काम चल रहा है बच्चों, परफेक्ट काम चल रहा है, टू टू मैंने यहाँ भेज दिए ना, जरा देखो कौन सा फॉर्म लगने वाला है आपस हमारे पास, टू कॉस ए कॉस बी, नहीं साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये लगेगा, क्या होता है इसका, साइन ए प्लस बी, आई नो काफ़ी लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है, बट गाइज यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, वी हैव नो अदर चॉइस, चलो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, परफेक्ट बिंदास। ना चलो देखो, करें इंटीग्रेशन, इन सबका ही इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, इन सब का ही इंटीग्रेशन होगा, कोई इशू नहीं है। ना जरा देखो, लेट्स स्टार्ट, वन बाय फोर, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ऐसा कर देना,
चलो नो, जरा देखो बच्चों, टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ध्यान से, साइन ए प्लस बी मतलब साइन टू प्लस टू, क्या सही करा है हम लोगों ने, सही करा है, टू प्लस टू फोर एक्स, तो साइन फोर एक्स, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है, माइनस साइन जीरो हो जाएगा, अरे साइन टू एक्स और टू एक्स, टू माइनस टू जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, गलत तो नहीं कराना अपना, सब सही करा है, परफेक्ट चला है, चलो सही चला है, कोई दिक्कत नहीं है। ना माइनस, ये बाहर पड़ा हुआ है माइनस है, एक ब्रैकेट लगा देना क्योंकि बाहर माइनस है। नौ जरा देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन सिक्स एक्स माइनस साइन टू एक्स, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बस ये ध्यान रखना कि बाहर एक माइनस बैठा हुआ, तो मुझे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस मल्टीप्लाई होगा। ये छोटी छोटी बातें हो कि गलतियाँ होती है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वन अपॉन फोर साइन फोर एक्स, ये वाले भाई सब तो क्या होगा, साइन जीरो जीरो होता है, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन सिक्स एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे डॉट डी एक्स। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है। नाउ एज वी नो दैट, एज वी नो द फॉर्मूला, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो बच्चों क्या आएगा, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, पता है ना फॉर्मूला वाला, जो एक्स के बाजू में जो होता है वो नीचे आता है, कर चुके हैं बहुत बार, 7.1 7.2 सब जगह किया है अपन ने ये। नाउ वन अपॉन फोर माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन फोर, ये हो जाएगा माइनस, एक माइनस और आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस, कॉस सिक्स एक्स अपॉन सिक्स, कोई इशू नहीं है, यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, थोड़ा सा अरेंज कर लो सिस्टमेटिक वे में, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कुछ की इच्छा होती है कि फोर को नीचे मल्टीप्लाई कर देता है वो अपनी अपनी चॉइस है, या कुछ की इच्छा होती है कि टू कॉमन निकाल लेता है, सब अपनी अपनी चॉइस है, बट अल्टीमेटली दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर गाइस, क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन का लेवल है टफ है, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस की अच्छे से करना, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ होती है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना, ये हाफ को थोड़ा ध्यान से ना देखना, छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ना कुछ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, इट्स एन ईजी क्वेश्चन गाइज, अब तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने, साफ दिख रहा है कि दो साइन की चीज़ें प्रोडक्ट में हैं, तो मुझे टू चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, तो हाफ आया टू साइन फोर एक्स साइन एट एक्स डॉट डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, आराम चल रहा है। तो टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला जरा ध्यान से देखना, टू साइन ए कॉस, सॉरी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, पर आगे एक नेगेटिव आता है, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है साइन कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, मैंने आपको यही फॉर्मूला पढ़ाया, और जनरली एनसीईआरटी के हिसाब से अपन बात करें इलेवंथ की, तो वहाँ पे फॉर्मूला ऐसी टर्म में ही लिखा हुआ है, ठीक है। बट हाँ, अपन चाहे तो इस नेगेटिव को वहाँ भेज के मल्टीप्लाई करके, तो टू साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो गाइज, आप लोग देख रहे हो कि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, आई नो कई लोगों को, कई बच्चों के फॉर्मूला याद नहीं है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, ये मैंने इलेवंथ की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रखी है याद करने की। क्लियर, डन ना, चलो आगे चलते हैं। सो गाइस, इसको दे रहा हाफ, तो ये रहा कॉस ए माइनस बी, फोर एक्स माइनस एट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस माइनस का फोर एक्स, कोई तकलीफ किसी के, फोर एक्स माइनस एट एक्स, फिर माइनस ये हो जाएगा कॉस 12x, कोई तकलीफ नहीं है, डॉट डी एक्स, एंड यू सी द पैटर्न, मैंने ब्रैकेट यहाँ लगाया है, पूरा होल इंटीग्रेशन लगा हुआ है यहाँ पे, डॉट डी एक्स लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डन। अच्छा, एज वी नो दैट
ये क्या हो जाएगा cos 4x माइनस cos 12x, बिकॉज वी नो दैट की cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, वी नो वेरी वेल, परफेक्ट, कर दो इंटीग्रेशन। बट हाफ हो रहा है भाई, ध्यान रखना मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी। नाउ गाइस इट्स योर चॉइस कि या तो 4 कॉमन निकालो या 2 अंदर भेज दो, दैट इज चॉइस, ठीक है। यहाँ पे उसमें मार्क्स नहीं कटता, दैट इज द चॉइस ऑफ कैलकुलेशन। बाकी 100% मार्क्स कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे फालतू क्यों बढ़े। पीछे अगर आंसर मैच करना है तो देख लो पीछे आंसर कैसा गिवन है, या तो कॉमन निकाला होगा या इसको अंदर भेजा होगा या ऐसा होगा। क्लियर गाइस, डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस मेरा फेवरेट फॉर्मूला काम आने वाला है यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? कॉस 2 थीटा वाला। क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको यहाँ भेजो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो कि है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। नो जरा ध्यान से देखना, 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया, ठीक है। अब जरा सोचना, यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा कि नहीं आएगा? सोचो जरा, अगर ये 2 थीटा था तो ये थीटा आया, ये हाफ एंगल वाले हैं तो ये थीटा होगा, तो थीटा बाय 2 होगा। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, एक और फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो शिफ्टिंग करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा लोग ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, अगर यही थीटा हो जावे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या बात सबको समझ में आई? तो ये पूरा फॉर्मूला मैंने अच्छे से समझा दिया है, हालांकि आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए पर स्टिल नहीं याद है, तो ये दो तो पैटर्न याद है ही है ना। जरा देखो तो इसको क्या लिखूँगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डॉट डी एक्स, कोई इशू नहीं है। 2 से 2 गॉन, साइन अपन कॉस 10 होता है तो स्क्वायर में है तो 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 डॉट डी एक्स। हमको जैसे कि पता है कि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करना आता है, मैंने सिखाया है, पहले सिखाया है बच्चों आप लोगों को, 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्यों 10 को बदलना पड़ता है मुझे यहाँ पे, याद है 1 प्लस 10 स्क्वायर को sec स्क्वायर, तो 1 को उधर भेज के 10 को क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर को sec स्क्वायर एंगल x बाय 2 है माइनस 1 डॉट डी एक्स। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, डन हो गया? ये लिखते हैं अपन, याद है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर को sec स्क्वायर, उस 1 को उधर शिफ्ट करते हैं अपन, ऐसा करते हैं अपन। नाउ जरा देखो, नाउ सी, नाउ अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। प्लीज़ ज़रा फोकस करना, अपन एक चीज़ सीखी है बार बार कि sec स्क्वायर अगर ax भी हुआ तो sec का 10x तो हो जाएगा 10ax, और जो सिंगल a है वो नीचे आएगा, ये बात ध्यान रखना, जो x का जो कॉफिशेंट रहेगा बाजू में वो नीचे आएगा, डिफ्रेंसिएशन में ऊपर आता था, इंटीग्रेशन में नीचे आता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन 10 x बाय 2 अपॉन हाफ, कि 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2 नीचे आ गया, 1 का हो जाएगा x प्लस सी। तो फाइनल आंसर जब अपन इसको लिखेंगे, हाफ ऊपर जाएगा तो 2 10 x बाय 2 माइनस x प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान, इजी, डन, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बच्चों। सो नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में। इधर दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, जरा देखना, एक पैटर्न अपन ने क्वेश्चन किया था डिनोमेटर को न्यूमरेटर में सेम करने का, क्या था यहाँ पे, नीचे क्या है 1 प्लस कॉज एक्स है, ऊपर कॉज एक्स है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 1 और माइनस 1 कर रहा हूँ। क्या करा मैंने, प्लस 1 और माइनस 1 किया, तो बात तो वही, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो चीज़ें बैलेंस रही ना। अब जरा सोचो बच्चों, इसको यहाँ भेजा और इसको यहाँ भेजा मैंने, ठीक है, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस एक्स
अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स, नीचे इधर भेजूंगा तो वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो मुझे मिला वन डॉट डी एक्स माइनस, अब जरा सोचना वन प्लस कॉस एक्स, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था बच्चों आप लोगों से कि कॉस टू थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको यहाँ भेजा तो क्या आएगा वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट याद करो तो अगर वन प्लस कॉस थीटा की बात करें तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं थी, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू हो गया था। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू डॉट डी थीटा, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पे x है तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे x लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी x है यहाँ पे, ठीक है परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, एंगल का आधा हो जाएगा। नाउ सी इस वन का तो हो गया x माइनस, ये हाफ कांस्टेंट है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा बच्चा sec स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। अब अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने कि जरा बार बार देखा करो, sec स्क्वायर ax हो जाएगा tan ax अपॉन a प्लस सी, या सुनो जो बाजू का कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा तो माइनस हाफ sec का हो जाएगा tan x बाय टू और नीचे आ गया हाफ प्लस सी, क्या आया x बाय टू है मतलब हाफ, तो हाफ नीचे आया और ये कैंसिल हुआ तो फाइनल आंसर अपने पास आया x माइनस टेन बाय टू प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा सबको क्लियर, डन गाइस, इजी था, सिर्फ एक नई चीज़ सीखी आप लोगों ने यहाँ पे कैसे चीज़ें बैलेंसिंग करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के करने हैं फिर बिना देखे करने हैं, यू विल गेट द आइडिया हाउ टू डू सच क्वेश्चन, ठीक है पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन पर टेंथ के बारे में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ना देखा देख लो, अपन ने साइन स्क्वायर एक्स का सीखा है, साइन क्यूब का सीखा है और साइन पावर फोर, फोर से ऊपर नहीं जाएगा, साइन फाइव तक नहीं जाएगा, साइन स्क्वायर साइन क्यूब और साइन पावर फोर, ठीक है भाई पैटर्न्स ध्यान रखना सारे आप। ऐसे ही आपको कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब कॉस पावर फोर सीखना है, टेन स्क्वायर टेन क्यूब और टेन पावर फोर सीखना है, ठीक है यहाँ पे। ना जरा देखो बच्चों इसको क्या करेंगे, कुछ बच्चों के मन में आता है कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कर दो, ठीक है यहाँ पे उससे नहीं होगा, वो चलेगा ऑड पावर में, पावर जब होती है ना ऑड, साइन का क्यूब हो गया तब चलेगा, जब इवन पावर होगी तब ऐसा नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, पावर जब इवन होगी तो ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो कैसे करेंगे, साइन क्यूब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कोई तकलीफ किसी के, जरा बताओ मुझे स्क्वायर का स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। नाउ मेमोराइज द फॉर्मूला, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, शिफ्टिंग करो इधर तो टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा, आप देख रहे हो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा ये टू यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो सब कुछ मैच कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे अपन वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है यहाँ पे परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। नाउ टू का स्क्वायर फोर, वन अपॉन फोर, वन माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, आराम से काम चल रहा है। नाउ जरा देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक है यहाँ पे कोई इशू नहीं है, एक इंटीग्रेशन साइन है एक डी एक्स है यहाँ पे। नाउ पर ये ध्यान रखना कि वन बाय फोर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात जरूर ध्यान रखना, वन बाय फोर जरा प्लीज वन डॉट डी एक्स कॉस स्क्वायर टू एक्स डॉट डी एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स डॉट डी एक्स, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है, आराम से काम चल रहा है। नाउ जरा देखो वन का इंटीग्रेशन एक्स, जो अपन से होता है वो फटाफट फटाफट कर लेते हैं, एक्स हो गया। नाउ
कॉस स्क्वायर कंडीशन वापस नहीं होता है, नहीं होता ना, तो देर इज अगेन वही फॉर्मूला अपना स्क्वायर का, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है वन, नहीं क्या है बच्चा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, शिफ्टिंग करो तो टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस कॉस टू थीटा, टू यहाँ से गायब होगा तो टू नीचे आ जाएगा, तो इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या मैं ये लाऊं, पर जरा सुनो, थीटा था तो टू थीटा, अरे यहाँ पर तो ऑलरेडी टू थीटा है, मतलब टू एक्स है, तो क्या आएगा, वन प्लस कॉस फोर एक्स आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? अरे बच्चा जब यहाँ थीटा था तो यहाँ उसका डबल, यहाँ टू एक्स है तो उसका डबल, टू एक्स का डबल फोर एक्स, क्या बात समझ में आई आपको, ये समझने की बात है। सो बच्चा लोग प्लस इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू डॉट डी एक्स माइनस टू कॉस का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स, ठीक है, साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस सी लगा दें, क्योंकि इंटीग्रेशन कर चुका हूँ, दो एक के इंटीग्रेशन कर चुका हूँ मैं, तो प्लस सी यहाँ से आ गया, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस टू से टू गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिंदास, वन अपॉन फोर एक्स, अच्छा कैन आई राइट हाफ, अरे अलग कर दिया मैंने, ठीक है, सो एट लास्ट क्या आया, एक्स इधर भी हाफ कॉन्स्टेंट, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स बाय टू हो जाएगा, इसका साइन फोर एक्स अपॉन फोर इंटू टू माइनस साइन टू एक्स, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस थी इसमें बस। सो कितना आया जरा देखो, इसको देखो कितना हो जाएगा ये, अरे एक्स प्लस एक्स बाय टू थ्री बाय टू, थ्री एक्स बाय टू साइन फोर एक्स अपॉन एट माइनस साइन टू एक्स। नाउ गाइस इट्स योर चॉइस कि या तो फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो अपना अपना चॉइस है, वो अपना अपना इच्छा है, बाकी ऐसे भी चलेगा, और बाहर रखो तो चलेगा और अंदर भेजो तो चलेगा, उसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है, चीज़ें आई थिंक फंडा क्लियर, बस जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर, डन क्लियर बच्चा, प्रैक्टिस चाहिए बस ये ध्यान रखना, पॉज द वीडियो नोट डाउन ना बच्चो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज एज इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चा, ना क्या है क्वेश्चन में, वही पावर 4 है, तो आपको कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, देखो बच्चों अब नाउ यू आर इनफ मैच्योर कि तुम्हें 2x को t लेने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक तुमको t लेने की ज़रूरत है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं अपन, नाउ एज वी नो कॉस 2 थीटा, मैं वापस लिखता हूँ बार बार फॉर्मूला आप लोगों के लिए, ठीक है, शिफ्टिंग करो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 हट के नीचे आ जाएगा, नाउ थीटा है तो 2 थीटा, अगर 2x हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 प्लस कॉस, बोलो जरा बोलो 4x अपॉन 2, ठीक है, ये चीज़ याद है सबको, डबल हो जाएगा उसका, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर डॉट dx, आप लोग ट्राई करें, वीडियो चलने दीजिए एंड यू मूव ऑन विथ योर प्रैक्टिस, ठीक है, 4 का स्क्वायर तो 1 अपॉन 4, हटाओ इसको, तो फिर बचा थोड़ा डायरेक्ट करें, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 4x और प्लस 2 कॉस 4x डॉट dx, इतना तो बोर्ड एग्जाम में हम भी कर सकते हैं, 12th के बच्चे हम लोग, नाउ जरा देखो, यू नो 1/4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको बाहर रहने दो, अब 1 डॉट dx हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 4x डॉट dx प्लस कॉस 4x डॉट dx, ठीक है, सबको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन dx, ये परफेक्ट ना, इसका हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, वापस जरा पैटर्न पे आओ, इसी पैटर्न को फॉलो करो, तो कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा 1 प्लस कॉस, जस्ट डबल हो जाएगा ना, तो 8x अपॉन 2, क्या यहाँ तक क्लियर, परफेक्ट है, कोई इशू तो नहीं है, आगे चलें, डन।
वन का तो हो गया एक्स। नाउ इसको लिख रहे हैं अपन, वन प्लस कॉस एट एक्स अपॉन टू डॉट डी एक्स प्लस टू कॉस का हो जाएगा साइन फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी। कोई इशू नहीं है, आराम से काम, गाड़ी चल रही है हमारी, डन ना। ज़रा देखो यहाँ तक पहुँचे, वन अपॉन फोर एक्स, इधर अलग भेजो इधर अलग भेजो, तो आई थिंक हाफ है ना, तो कैन आई राइट लाइक दिस, काटो इसको, तो साइन फोर एक्स अपॉन, यहाँ तक भी क्लियर। अरे हाफ है तो उसको मैंने हाफ इंटू वन हाफ ही होता है, तो प्रेजेंटेशन का एक तरीका दिया है बस और कुछ नहीं करा है। एक्स यहाँ भी अगेन एक्स बाय टू हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है बच्चों, फिर हाफ कॉस का हो जाएगा साइन एट एक्स अपॉन एट, कोई इशू नहीं है, और ये तो सॉल्व हो चुका है परफेक्ट। ये क्या बना, क्या बना, थ्री बाय टू, थ्री बाय तो थ्री एक्स बाय टू लिखेंगे, साइन एट एक्स अपॉन सिक्सटीन, ये हो जाएगा साइन फोर एक्स अपॉन टू प्लस सी। कोई इशू नहीं है, आराम से चल रहा है काम बिंदास। अब चॉइस है आपकी, या तो इस फोर को अंदर भेजो या मत भेजो, दैट इज चॉइस, या इन सब में से टू कॉमन निकाल के बाहर रख दो, दैट इज अ चॉइस। ठीक है, यहाँ पे तो पीछे से अभी कभी फ्रेंड्स से मैच कर रहे हैं बाई चांस, तो गलत मत कर देना, आप देख लेना कि आपका ओवरऑल आंसर सही होना चाहिए, मार्क्स हमेशा मिलेगा। क्लियर गाइस, सेम क्वेश्चन था, परफेक्ट, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन।